क्या बोले आपको? सिरखुरमा पीते पीते पैकिंग कर लेता था। नहीं, सिरखुरमा पीके पैकिंग नहीं करता, नमाज से आता गरम गरम सिरखुरमा डालता। मिलता था ना ऐसा लगता था ईडी मेरी एक्सेप्ट करते थे। अच्छा, 20 रुपया देता था ना तो भगवान मानते थे। पब्लिक देखो यार, जबरदस्त पब्लिक आई है अंदर, पूरी मस्जिद भर गई हुई है। अभी अपन अंदर जाते हैं, पहले देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। यहाँ आज ईद का दिन है और अभी मैं निकल रहा हूँ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, जो है 6:45 की जमात शम्स मस्जिद में, और अभी ऑलरेडी 6:35 हो गया है, तो फटाफट निकलता हूँ इससे पहले जमात ना निकल जाए, और आपको वहाँ मिलता हूँ। और आज ईद की नमाज़ में कितनी पब्लिक आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा इस वीडियो का। चलो फिर अभी वीडियो में आगे मिलते हैं। यार ईद की नमाज़ की एक सुन्नत मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप ईद की नमाज़ कभी भी पढ़ने जाते हैं तो जिस भी रास्ते से आप जाएंगे उस रास्ते से दोबारा अपने घर पर मत जाना, अगर कोई दूसरा रास्ता है तो वो इख्तियार करके जाना, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, और उसमें एक सुन्नत भी हम बना लेते हैं। चलो अभी आगे मिलते हैं। यार मैं शम्स मस्जिद पर आ गया हूँ, रास्ते यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पब्लिक है नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी जमात का टाइम हो गया है। अभी ज़रा आगे बढ़ते हैं और कहाँ जगह मिलती है वो देखते हैं अपन लोग। पहले पब्लिक देखो यार, ज़बरदस्त पब्लिक आई है अंदर, पूरी मस्जिद भर गई हुई है। अभी अपन अंदर जाते हैं, पहले देखते हैं। यार पहली जमात थी 6:45 की और मैं घर से ही निकला था 6:35 पे, तो वहाँ मस्जिद पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था और वहाँ पर ऑलरेडी मस्जिद भर गई थी। इस बार इन लोगों ने मतलब बाहर पढ़ने के लिए अलाउ नहीं किया हुआ है BMC वालों ने, तो इस वजह से पूरा मस्जिद के अंदर पूरा फुल हो गया था। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग वेटिंग में थे और उनके साथ में मैं भी खड़ा था। पहली जमात में तो जाने मिला नहीं, और जैसे ही दूसरी जमात का टाइम हुआ पहली जमात वाले निकले, आप देख सकते हैं अभी जो पब्लिक निकल रही है सारे पहली जमात वाले नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं, और हम लोग सारे वेटिंग में थे यहाँ पर कि वो लोग निकले और हम लोग फटाफट अंदर जाएं और अपनी जगह पकड़ के बैठें। इतना ज़्यादा वहाँ पे गैदरिंग हो गया था, इतनी पब्लिक आ गई थी कि अंदर जाने को नहीं हो रहा था इतनी भीड़ की वजह से। तो यार आप लोगों ने भीड़ देख लिया रहेगा, मैं गया था पहली जमात पढ़ने के लिए, लेकिन पहली जमात में जगह नहीं मिली तो इसलिए दूसरी जमात पढ़नी पड़ी, और उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ठीक है, अभी जा रहा मैं घर की तरफ और वहाँ पे क्या चल रहा है देखता हूँ, सिमरा रेडी हुई नहीं हुई है क्या है, इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। हेलो एवरीवन, सिमरा आप लोगों से कुछ बोलना चाहती है। सिमरा बोलो, क्या बोले आपको? सिमरा की दादी की तबीयत ख़राब है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग दुआ में याद रखें, और आज ईद का दिन है, अगर आज आ जाएंगे अम्मी घर पे तो हम लोग को बहुत हैप्पी विशिंग ईद मुबारक। हाँ सिमरा आप लोग को ईद विश कर रही है, और हम सबकी तरफ से ईद ही मिली है। अच्छा, हम सबकी तरफ से आप सभी लोगों को ईद मुबारक। ईद मुबारक है तभी होती है जब मम्मी और डैडी सब लोग साथ में रहते हैं, अम्मी अबू जब तक साथ में नहीं रहते तो ईद का मज़ा नहीं आता है। तो यही विश कर रहा हूँ कि आज के दिन में मम्मी साथ में आ जाए तो क्या ईद मनाने फिर और ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो अभी आपसे वीडियो में आगे मिलते हैं। तो यार बहुत दिनों बाद, लगभग 6 महीने बाद मेरा यार मेरे घर पे आया है और ये कल फिर जाने की तैयारी कर रहा है। आज है ईद का दिन, वो तो लकीली इसकी ईद के दिन की टिकट हो गई थी, अगर कल ईद हो जाती तो, अगर 30 के रोजे हो जाते तो इसकी टिकट कल की थी। सिरखुरमा पीते पीते पैकिंग कर लेता था। नहीं, सिरखुरमा पीके पैकिंग नहीं करता, नमाज से आता गरम गरम सिरखुरमा डालता और फिर एयरपोर्ट पे पहुंचता, थोड़ा क्रू मेंबर से भी शेयर कर देता था। हाँ आजा सिमरा, तू भी आजा। तो सिमरा भी आ गई है वीडियो में, सिमरा के चाचू अभी कल फ्लाई कर रहे हैं अमेरिका के लिए, तो सिमरा खेलते खेलते अपने चाचू से मिल जाएगी। सिमरा चाचू को क्या बोलेगी? बोले चाचू संभाल के जाना। और सिमरा की जो भी ईदी यहाँ दिख रही है ना, इसके अंदर है पूरा भरा हुआ पैकेट। हाँ। और जो भी दिख रहा है कोने से दिख रहा रहेगा, कोने से दिख रहा रहेगा, वो सारी मैं और ताई हाजिरी करने वाले। हाँ, अभी हम लोग शेयर करने वाले 50-50। चलेगा ना सिमरा? मैं भी 50। नहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा, मेरा और चाचू का हो जाएगा। 50-50 करने के तो बचेगा वो तेरा। ठीक है चलेगा ना? बोल चलेगा। और अभी चल रही है और पंजाब MI और पंजाब की मैच आप देख सकते हैं। यार वो शर्मा खेल रहा है, मार देंगे भाई, मैं घर से निकला था सच में यार, 160 छोड़ के आया था मैंने इन लोगों को, बहुत अच्छा खेले इन लोगों ने। तो चलो अभी जरा कुछ सिरखुरमा चाय वगैरह करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता। लेकिन एक बात है, ईद का मजा ना बच्चे लोग के लिए ईदी में ही है, मतलब हमको ईदी नहीं मिलेगी ना। हाँ तब तो उसका मजा नहीं है। सही बात है, नहीं है ना? सही बात, सही बोल। हाँ और आज के जो बच्चे लोग कितनी ईदी मिल रही है,
आजकल के बच्चे तो यार मतलब उनको अगर 1000 में मिल जाता है, कभी 1500 भी मिल जाता है, कभी 2000 में मिल जाता है। कितना मिला था जब तू छोटा था? मैं तो भाई जब छोटा था हम लोग के टाइम पे 10 रुपया भी कोई दे दिया तो बहुत बड़ी बात होती थी, मतलब ऐसा लगता था यार 20 रुपया भाई को 5 रुपया मिलता था ना, ऐसा लगता था ईडी मेरी एक्सेप्ट करते थे। अच्छा 20 रुपया देता था ना तो भगवान मानते थे इंसान कि भाई ये इंसान भगवान है, ये भगवान का रूप लेकर आया, 20 रुपया दिया, जिसने 50 दिया ना उसको पैर चूम लेते थे हम लोग। और फिर नेक्स्ट ईद में ना सबसे पहले उसी के घर पे आते थे। अच्छा एक बार ऐसा भी हुआ, उसी बंदे ने फिर नेक्स्ट ईद में 5-5 रुपया दिया था जिसने 50 दिया था। तो आप लोगों के साथ किसके साथ में ऐसा हुआ है आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, अभी हम लोग अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे। ईद का असली किस्सा यही है, ईद का असली मजा यही होता है, जब तक बचपन की यादें नहीं सामने आया तब तक ईद का मजा नहीं आता है। राइट सिमरा, जो भी पैसे जमाई है ना वो 50-50 करने वाले और ढाबे पे खाना खाने जाएंगे। सिमरा दे रही है ना पैसे? नहीं प्लीज यार प्लीज, बिल्कुल नहीं, हम लोग खाना खा लेंगे बेटा थोड़ा। ठीक है अच्छा एक मिनट, काय के पैसे मिलेंगे ताहिर, अब मेले में जाके खाएंगे गोला। हाँ ठीक है वो भी चलेगा, मेले के पैसे ना वो झूले में झूलेंगे वो। हाँ हम लोग झूला झूल लेंगे साथ में बैठ के। झूला के लिए हम लोग आसमानी झूले में बैठेंगे, फिर बहुत सारे बैठे। सुन सुन एक काम कर, तू आसमानी झूले में बैठने वाली ना, हम लोग जमीनी झूले में बैठेंगे। जमीनी झूला तू आसमानी पर ना, हम लोग जमीन के झूले में बैठेंगे। होता ना वो राउंड वाला जो होता ना उसमें बैठ जाएंगे हम लोग, हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, वो बाइक पे बैठेंगे, बाइक पे बैठ जाएंगे। हां गोल वाली जो होती है, वो जो गोल वाली होती है ना जो अंकल लोग घुमाते हैं, हम लोग पकड़ के रखते हैं बाइक, अंकल फास्ट घुमाते ना। हां समझी, ठीक चलेगा ना? नहीं चलेगा प्लीज प्लीज सिमरा प्लीज, पैसे तो बिल्कुल नहीं दूंगा, ऐसा मत कर सिमरा प्लीज ना। टाइम रात में सोएगी ना? हां ले लेना 50% उसमें, ठीक है सिमरा के पैसे आज गुल होने वाले। चलो यार इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो यार आप लोगों ने इस वीडियो में मेरे दोस्त को भी देखा रहेगा, रेहान सैयद, उसका भी यूट्यूब चैनल है, एक्चुअली उसके दो चैनल है, रेहान सैयद नाम से और आर के एस इन अमेरिका नाम से, वो अमेरिका की पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाता है, अमेरिका की पूरी लाइफस्टाइल बताता है। ठीक है सो अभी मैं उसके साथ में जा रहा हूँ, उसको काफ़ी सी चीज़ें लेनी बाकी है, शॉपिंग करनी बाकी है, उसके साथ मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।